महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक बार फिर इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर की है और इस बार राजभवन ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी है। राजभवन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्यपाल कोश्यारी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राजनीतिक जिम्मेदारी से मुक्त करने का आग्रह किया है। राज्यपाल ने चिट्ठी में लिखा है कि अब वे जीवन का बाकी समय चिंतन मनन और पढ़ाई लिखाई में बिताना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री के मुंबई दौरे के दौरान भी कोश्यारी ने उनके सामने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। राज्यपाल द्वारा इस्तीफे की पेशकश पर एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने तंज कसते हुए कहा है कि राज्यपाल को स्वेच्छा से नहीं जाने देना चाहिए बल्कि उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे और वंचित बहुजन आघाड़ी के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है। बालासाहेब ठाकरे की जयंती के अवसर पर उद्धव ठाकरे और आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की। इस गठबंधन से महाराष्ट्र में एक बार फिर शिव शक्ति और भीम शक्ति के प्रयोग की शुरुआत हो गई है। गठजोड़ का ऐलान करते समय उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने नया रास्ता और नया रिश्ता बनाया है। हम वंचित आघाड़ी के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं। उद्धव ने कहा कि भूतकाल में जो गलतियां हुई होंगी उन्हें भूलकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रकाश अंबेडकर ने भी उम्मीद जताते हुए कहा कि हमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस भी स्वीकार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के संबंधित आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोपी देशमुख की जमानत गत 12 दिसंबर को मंजूर की गई थी। मुंबई सत्र न्यायालय ने राज्य के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के बेटे फराज व बहू लौरा हेमलिन उर्फ आयशा को अग्रिम जमानत दे दी है। मुंबई पुलिस ने फराज के खिलाफ अपनी दूसरी पत्नी हेमलिन का वीजा बढ़ाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। हेमलिन मूल रूप से फ्रांस की नागरिक है। इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए फराज व हेमलिन ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन दायर किया था। मुंबई हाई कोर्ट ने एक मॉडल के अश्लील व आपत्तिजनक वीडियो को प्रसारित करने के मामले में फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत को जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को निर्देश दिया है कि वह अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ मंगलवार तक कोई कार्रवाई न करें। कलावरी क्लास की पांचवी पनडुब्बी INS वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार की मौजूदगी में मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर सैंड शार्क कही जाने वाली वागीर को भारतीय नौसेना का हिस्सा बनाया गया। वागीर नौसेना के पश्चिम कमान का हिस्सा होगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार मुझे जेल में डालना चाहती थी लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। फडणवीस ने कहा कि उस वक्त के मौजूदा मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को ये टारगेट दिया गया था। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में शामिल हुए देवेंद्र फडणवीस ने ये खुलासा किया है। कोरोना महामारी के दौरान महाराष्ट्र की जेलों से आपातकालीन पैरोल पर रिहा किए गए 451 कैदी अब तक वापस नहीं लौटे हैं। महामारी के दौरान राज्य सरकार ने जेलों में भीड़ कम करने के लिए विचाराधीन कैदियों और उन मामलों में दोषी ठहराए गए लोगों को रिहा करने का फैसला किया था जिनकी अधिकतम सजा 7 साल या उससे कम थी। लेकिन राज्य सरकार द्वारा पिछले साल मई महीने में एक आदेश जारी करने के बावजूद अभी तक ये कैदी जेल नहीं लौटे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब 357 कैदियों पर FIR दर्ज कराई गई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के मामले में आज सुनवाई हुई। इस मामले में एडवोकेट सतीश उके ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जो कि फिलहाल मुंबई की आथर रोड जेल में बंद है। उके का आरोप है कि फडणवीस के खिलाफ 1996 और 1998 में दो मामले दर्ज किए गए थे। इन दोनों मामलों में फडणवीस ने कोर्ट से जमानत ली थी लेकिन उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन दाखिल करते समय इन मामलों की जानकारी नहीं दी। कोर्ट ने सतीश उके को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस करने की इजाज़त दी थी।